नमस्कार, वॉकफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने देश विरोधी तत्वों का बचाव करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लिया। इस बार भी लेफ्ट ब्रिगेड का टूलकिट पहले की तरह ही उसी पैटर्न पर था, जिसके तहत वो किसी भी एक मुद्दे पर झूठ फैलाकर दक्षिण पंथियों और मोदी समर्थकों को दोषी करार देते हैं। लिबरल ब्रिगेड ने अपने प्रोपेगेंडा में फैलाया कि ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी आसना लिद्दर को दक्षिण पंथियों द्वारा दुर्व्यवहार और बलात्कार की धमकी दी गई, इसलिए उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट निष्क्रिय करना पड़ा। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और ना ही किसी ने उन्हें रेप की धमकी दी थी। दरअसल बीते 8 दिसंबर को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 12 अन्य सेना के अधिकारियों और जवानों की हेलीकॉप्टर हादसे में मृत्यु हो गई। इस हादसे में ब्रिगेडियर LS लिद्दर की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद ही उनकी बेटी आशा लिद्दर ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उनके इस तरह से अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के बाद लेफ्ट ब्रिगेड ने ये प्रचार करना आरंभ कर दिया कि उन्हें दक्षिण पंथी और मोदी भक्तों ने रेप की धमकियां दी, जिसके बाद आशना ने इस तरह का कदम उठाया। वहीं एक पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि यही दक्षिण पंथी ने आज यही हासिल किया है, आशना लिद्दर ने अपना अकाउंट निष्क्रिय कर दिया है, मोर पावर टू यू आशना। विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, जिस 16 साल की आशना ने 2 दिन पहले ही पिता को खोया, जिसने आज पिता को मुखाग्नि दी, उस बच्ची को आईटी सेल ने इस कदर परेशान किया कि उसे अपना ट्विटर हैंडल बंद करना पड़ गया। वजह थी, आशना ने पिछले ट्वीट्स में देश के हालात पर चिंता की थी और विपक्षी नेताओं के ट्वीट लाइक किए थे। ये घिनौना नया भारत है। वहीं एक अन्य पत्रकार ने दावा किया कि दक्षिण पंथी गुंडों ने उनके ट्वीट के लिए उन पर हमला किया क्योंकि वो उनके अनुकूल नहीं थे। इसी तरह एक ने ट्वीट किया, एक 16 वर्षीय बच्ची जिसने तुरंत अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, एक नायक जिसने देश के लिए एक गोली खाई और हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, उसके ट्वीट के लिए जांच और हमला किया जा रहा है, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? घोर मोदी विरोधी और सेना निवृत्त IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंध भक्तों ने उन्हें बलात्कार की धमकी दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपना खाता निष्क्रिय कर दिया। हालांकि जब पूछताछ की गई तो सिंह ने तुरंत यूटर्न लिया और अपना ट्वीट हटा दिया। इस मामले में ऑल न्यूज कैसे पीछे रहता? फैक्ट चेकिंग के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक जुबैर ने भी ट्वीट किया कि आशना को हमलों के कारण अपना खाता निष्क्रिय करना पड़ा। बता दें कि सोशल मीडिया पर ये झूठ तब आरंभ हुआ जब संदीप चौधरी नामक एक ट्विटर अकाउंट ने दावा किया कि आशना को बलात्कार की धमकी मिली थी। हालांकि जब कुछ लोगों ने उससे सबूत मांगना आरंभ किया तो वो अपनी बात से पलट गए और उन्होंने दावा किया कि उसे बलात्कार की धमकी नहीं मिली थी। प्रारंभिक जांच से यही लगता है कि इसी अकाउंट से ये अफवाह फैलाई गई थी कि दक्षिण पंथी आशना लिद्दर को रेप धमकी दे रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि यह वही हैंडल था जिसने बाद में ये दावा करने के लिए यूटर्न लिया था कि आशना लिद्दर को बलात्कार की कोई धमकी नहीं दी गई थी। कई लोगों ने जब जांच आरंभ की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने रेप की धमकी दी, तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। आशना की मेंशंस में ऐसा कोई भी एक ट्वीट नहीं था जिसमें रेप की धमकी दी गई थी। एक ट्विटर यूजर ने बताया कि एक पत्रकार द्वारा उनके अकाउंट को निष्क्रिय करने के बारे में ट्वीट करने से पहले उनके मेंशंस में केवल 17 ही ट्वीट थे और उनमें से कोई भी धमकी या हमले के संदर्भ में कोई ट्वीट नहीं था। जब सबूत की मांग बढ़ी तो लिबरल ब्रिगेड के पास सबूत के नाम पर एक दो स्क्रीनशॉट थे जिनमें आशना को वो कहा गया था। पत्रकार ने दो स्क्रीनशॉट शेयर किए जिसमें आशना लिद्दर को वो कहा जा रहा था। उनके द्वारा साझा किए गए दोनों ट्वीट में कोई गाली या धमकी नहीं थी।
ऐसे में ये शर्मनाक है कि एक और लिबरल ब्रिगेड मोदी समर्थकों और दक्षिण पंथियों को बदनाम करने के लिए एक ऐसे समय का इस्तेमाल कर रहे हैं जिस समय पूरा देश सीडीएस सहित 12 सैनिकों की मृत्यु पर गमगीन है। वहीं एक बार फिर ये साबित हो गया कि लेफ्ट ब्रिगेड अपने एजेंडे के लिए किसी भी समय या किसी भी व्यक्तित्व का फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। देश चैनल हॉप फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा, इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है।